भूतों से मुकाबला करने के लिए तुम सबको भी भूत बनना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये मंत्र कल सुबह तक ही काम करेगा। उसके पहले तुम सबको राजकुमारी को लेकर वापस आना होगा। शुक्रिया तुम्ही बाबा, आप बस महाराज को खबर कर दीजिएगा। महाराज, आपने ये गुड़िया राजकुमारी इंदुमती को उनके जन्मदिन पर दी थी। कैसी गुड़िया? कौन सा जन्मदिन? मैं तो उस दिन बहुत बीमार था। बाबा, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे महाराज ने ही बुलाया था, और मुझे शक तो पहले से ही था, पर इन्हें देखकर यकीन हो गया है कि इनके सर पे भूत सवार है। अक्कड़ बक्कड़ पान का पत्ता, भूत दिख जाए जो सर पर बैठा। भीम, पकड़ लो। पहले हमें इस गुड़िया के बारे में बताओ। ये कहाँ से मिल गई तुम्हें? ये तो निशाचर की गुड़िया है। निशाचर, 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 आखिर ये निशाचर है कौन? तुम्हें निशाचर नहीं पता? भूत प्रेतों में सबसे खतरनाक भूत, जो 100 साल पहले अपनी भयानक भूतों की सेना के साथ तिलस्मी नगर आया था। तिलस्मी नगर? यही रास्ता है तिलस्मी नगर जाने का। भूतों से मुकाबला करने के लिए तुम सबको भी भूत बनना पड़ेगा। अगड़म बगड़म तिगड़म भूत, तुम सब बन जाओ अच्छे भूत। ध्यान रहे, ये मंत्र कल सुबह तक ही काम करेगा। उसके पहले तुम सबको राजकुमारी को लेकर वापस आना होगा। शुक्रिया तुम्ही बाबा, आप बस महाराज को खबर कर दीजिएगा। ये इतने सारे भूत जमीन के नीचे क्या कर रहे हैं? पर हम डरने वाले नहीं है। दुश्मनी बहुत डरावनी पड़ेगी भी। डरावनी? तुमसे ज्यादा डरावनी तो हमारे गांव की बकरी है। जाला खोल जाए अब ये।
पास नहीं आने दूंगा। चलो साथियों, अब इन सबको मजा चखाएं। मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। देखा नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है, वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है, शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है, यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में बॉल कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। नो 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 नो, निंजा प्रिंस नहीं।
दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। तो बताओ डमरू, कौन जीता? मगर तो फिर मान जाइए कि आप हार गए। अरे पहलवान, पुरवाले कभी हारते नहीं है। आप चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। ढोलक पुरवाले कभी चीटिंग नहीं करते, आपको बता दूं। अच्छा, तो फिर हो जाए एक साइकिल रेस पहलवानपुर और ढोलकपुर के बीच। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर पता तो चले कि असली चैंपियन है कौन। चलो डमरू। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू बैंगन मूंगफली, दीवार पे चिपके छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास, मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? आएगा तो जरूर, मगर भीम, मंगल सिंह को जादू की किताब मिली कहाँ से? ये देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना?
हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी, खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में दिल थाम के बैठिए। आज ढोलकपुर और मेहमानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी, शिवानी तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी, शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? हटो, सब तैयार, आगे बढ़ो। जीत किसकी हुई है? जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्र वर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियाँ तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती है क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियाँ, ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर और ये जलेबियाँ खाकर मन खुश हो गया। ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे तोहफे में बॉल मिली, और मुझे एक बूमरैंग, और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है, मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। गुड़िया मिली।
उसकी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुँचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा। परमा परमा देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। याद नहीं तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा मैं समझ गया, मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम
होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। तो असली भीम आ ही गया, अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम, तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा, विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो।